भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। जीवन के अस्तित्व से लेकर अंत तक सब में शिव समाये हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न है, वहां नटराज की मूर्ति लगी हुई है। नटराज भगवान शिव का ही एक रूप है। दुनिया की इस सबसे बड़ी लैब में भगवान शिव की मूर्ति लगाने के पीछे वैज्ञानिक कई तरह के तर्क देते हैं। आपको बता दे, सर्न लैब में ही हिग्स बोसोन की खोज हुई थी, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। बता दे, इस ब्रह्मांड की रचना गॉड पार्टिकल के बगैर मुमकिन नहीं है। खास बात यह है कि गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन दो वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है, जिनमें से पहले हैं इंग्लैंड के साइंटिस्ट पीटर हिग्स और दूसरे हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि आइंस्टीन के समकालीन थे। कुछ समय पहले कानपुर के एक कॉलेज में हुए दीक्षांत समारोह में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सर्न के कैंपस में लगी नटराज की इस मूर्ति का जिक्र किया था। उन्होंने इसे लेकर क्या कहा था, पहले आपको वो सुनाते हैं कि 21वीं सदी में अभी तक जो 21 साल गुजरे हैं, सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज कौन सी हुई है? वो है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसका कि वास्तविक नाम है हिग्स बोसोन। और उस हिग्स बोसोन के दो साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्र नाथ बोस, वहां से बोसोन वर्ड लिया गया है। यानी अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण जानते क्या है, सन लेबोरेटरी के बारे में जिसने भी पढ़ा हो, आप उसकी लॉबी में जाइए तो वहां जानते क्या बने, तांडव करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति बनी है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सेगन ने कहा कि नाउ द साइंस इज कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। सर्न में लगी नटराज की मूर्ति के बारे में बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने इसके पीछे का तर्क भी सबके साथ साझा किया था। चलिए अब इस मूर्ति के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इसे क्यों और कब लगाया गया और वैज्ञानिक इसे किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्न लैब के बारे में जानना होगा। सर्न यानी यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मौजूद एक लैब है। इस लैब में वैज्ञानिक पदार्थों पर स्टडी करते हैं। 1960 में भारत सरकार का सर्न के साथ एसोसिएशन शुरू हुआ था। आज भी भारत इस इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मेंबर स्टेट है। इसी एसोसिएशन को मार्क करने के लिए भारत सरकार ने लॉर्ड नटराज की ये स्टैच्यू सर्न को तोहफे में दी थी। करीब 2 मीटर ऊंची इस मूर्ति का अनावरण जून 2004 में किया गया। इस मूर्ति के नीचे एक पट्टी लगी है और इस पर मशहूर फिजिसिस्ट फ्रिट्ज़ कैपरा की कुछ लाइनें लिखी हैं, जो इस मूर्ति के महत्व को बताती हैं। कैपरा ने लिखा है कि हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव के चित्र बनाए। ब्रोंज के बने डांसिंग शिवा की सीरीज में मूर्तियां हैं। हमारे समय में हम फिजिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस को चित्रित करते हैं। कॉस्मिक डांस का रूपक पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। ये धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स का मिश्रण है। वही कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इस फिजिक्स लैब में भगवान शिव की मूर्ति वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।